Hey guys, टेक्निकल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की इस वाली वीडियो में हम इसी बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाले बोल्ट ऑडियो एक्सपोर्ट की अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। यहाँ पर ये बॉक्स कुछ ज्यादा ही छोटा दिया गया, एकदम मेरे हाथ से भी छोटा है। तो सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका रिव्यू। तो यहाँ पर हम बॉक्स की फाइल को कट करते हुए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे ऊपर यहाँ पर हमें एक एनवलप देखने मिल जाता है। इस एनवलप के अंदर हमें एक यूजर मैनुअल देखने मिल जाएगा, जिसे आप चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं। मैं तो इसे साइड में कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड देखने मिल जाएगा, इसमें आपको 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी देखने मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक साइड में छोटा सा एक्सेसरीज बॉक्स भी दिया गया है। इसे ओपन करके देख लेते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर एक टाइप सी केबल देखने मिल जाती है ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए। इस एक्सेसरीज बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ये टाइप सी केबल ही निकली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया है। लास्ट में यहाँ पर हम ईयरफोन्स को निकाल लेते हैं, जो कि काफी सही से लग रहे हैं, काफी छोटे से और काफी प्यारे से लग रहे हैं। फिलहाल के लिए हम सब चीजें साइड में कर देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं डिटेल रिव्यू के साथ। ओके, तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ईयरफोन्स के रिव्यू की। तो रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्ट और डिजाइन के साथ। तो पहले बात कर लेते हैं हम ईयरफोन्स की डिजाइन की। तो इनका नाम है एक्सपोर्ट्स और एकदम एप्पल के एयरपोर्ट्स जैसे ही लगते हैं। और सिर्फ चारों तरफ से इसमें ये कटिंग वाली डिजाइन आपको देखने मिल जाती है, बाकी तो सेम एप्पल के एयरपोर्ट्स जैसे ही लग रहे हैं। यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया दी गई है। और एक चीज तो एकदम नोटिस करने वाली है, जितने भी बजट वाले TWS ईयरफोन्स रहते हैं उसकी हिंजेस उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर एकदम काफी बढ़िया दी गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम स्प्रिंग वाली हिंज दी गई है, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही थोड़ा सा भी प्रेशर इस पे मिलेगा तो अपने आप बंद हो जाएंगे और थोड़े से प्रेशर में खुल जाएंगे, जिस वजह से आप किसी भी अपनी एक सिंगल फिंगर से इसे ओपन भी कर पाएंगे और क्लोज भी कर पाएंगे। तो ये चीज काफी बढ़िया लगी। बाकी प्लास्टिक की मटेरियल भी काफी बढ़िया दी गई है। ओवरऑल बिल्ट और डिजाइन वाइज तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे हैं ये वाले ईयरफोन्स। और मैंने ये वाले ईयरफोन्स 1000 रुपए में परचेज किए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला रिव्यू हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी फिटिंग और कम्फर्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए हमें इसके एयरपॉड्स की डिजाइन की बात करनी होगी। तो यहाँ पर आपको एप्पल के एयरपॉड्स जैसी डिजाइन देखने मिल जाती है, कैनाल डिजाइन। यहाँ पर सिलिकॉन टिप्स नहीं लगी हुई है, जिस वजह से कुछ लोगों को शायद ये पसंद नहीं आए और कुछ लोगों की प्रायोरिटी भी यही हो। पर्सनली मुझे ये वाली डिजाइन पसंद नहीं है, मुझे वो सिलिकॉन टिप्स वाली डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि उसमें मेरे कानों में फिटिंग ज्यादा बेटर आ जाती है। ओके, तो इनकी फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो मैंने जब इनको इनिशियली यूज किया तो 1 घंटे तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जब मैंने इसको 3-4 घंटे तक यूज किया तो कानों में काफी ज्यादा पेन सा होने लगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होने लगती है, कान में दर्द सा होने लगता है, तो उतना बढ़िया इसमें कंफर्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो अब इन ईयरफोन्स की अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें, जो कि किसी भी ईयरफोन्स की सबसे मेन चीज होती है, तो इसमें काफी ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है। जनरली कैनाल डिजाइन में आपके कान काफी सही से सील पैक नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से काफी अच्छा बेस देखने नहीं मिलता है। सिलिकॉन टिप्स के कंपैरिजन में तो कम ही देखने मिलता है, लेकिन इन वाले ईयरफोन्स में एकदम अपोजिट है। और यही चीज मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज भी कर दी, इसमें काफी ज्यादा पावरफुल बेस देखने मिल जाता है, जबकि कानों में एकदम टाइटली फिट भी नहीं होते हैं तब भी। इसमें 13mm के ड्राइवर्स यूज किए गए हैं, शायद उसके वजह से बेस काफी ज्यादा पावरफुल दिया गया है। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इन वाले ईयरफोन्स में आपको पावरफुल बेस देखने मिलेगा। तो अगर आप बेस लवर हैं डेफिनेटली ये वाले परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके वोकल्स भी काफी ज्यादा क्लियर समझ में आते हैं। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है 1000 रुपए के हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट सी दी गई है। सिर्फ और सिर्फ फुल वॉल्यूम्स पे थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है कि एकदम डिटेलिंग समझ में नहीं आती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वोकल्स क्लियर रहते हैं, बेस भी एकदम पंच वाला दिया गया है। ओवरऑल हाँ, डेफिनेटली 1000 रुपए में काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी इसमें दी गई है। ओके, तो अब इन ईयरफोन्स के अगर हम बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टच कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं और उधर पे एक अलग सा टेक्सचर भी दिया गया है, जो कि एकदम फाइन वर्क करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम आपको डबल क्लिक करना रहता है यहाँ पर प्ले एंड पॉज के लिए। सिंगल क्लिक में यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है, जो कि काफी सही चीज है, इसके वजह से अब एक्सीडेंटल टच भी नहीं होंगे। इन ईयरफोन्स की अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो जनरली आपको बजट TWS ईयरफोन्स में गेमिंग परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बढ़िया देखने नहीं मिलती है, उसमें लेटेंसी के इश्यूज रहते हैं। इसमें भी है, लेकिन काफी ज्यादा कम है, तो आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। मैंने एक आध पबजी के गेम खेल के देखे थे, एकदम माइनर सा लैग रहता है, एकदम माइनर सी लेटेंसी रहती है, तो एकदम कैजुअल गेम्स खेल सकते हैं आप, ज्यादा इशू नहीं होगा। और अगर हम इन ईयरफोन्स की माइक क्वालिटी की बात करें तो अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं ईयरफोन्स के कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो आप इससे एक अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसी देखने मिल जाएगी। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा स्लो, एकदम जैसे हम कॉलिंग पर बात करते वैसे बोल रहा हूँ। हल्का फुल्का आपके यहाँ पर नॉइस का भी अंदाजा लग जाएगा। Okay, तो अगर हम यहाँ पर बैटरी लाइफ की बात करें तो ब्रांड यहाँ पर 20 आवर्स की बैटरी लाइफ इसकी मेंशन कर रहा है, और मैंने इसे 3-4 घंटे यूज किया हुआ है, एकदम चल रहे थे, उसके बाद भी थोड़ी सी बैटरी इसमें बाकी थी। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप काफी ज्यादा बढ़िया दिया गया है और आपको बैटरी में इसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट तो देखने ही मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए।
ओके, तो यहाँ पर इसके एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि आपको ये वाले ईयरफोन्स परचेस करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए, तो मुझे पर्सनली वाले ईयरफोन्स काफी ज्यादा बढ़िया लगे 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। साउंड क्वालिटी एकदम डिसेंट है, बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने मिल जाती है, टच कैपेसिटिव बटन्स आपको देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और डेफिनेटली आप ये वाले ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।